व्यस्त थे मैं थोड़े मजदूर बड़े हैं इसलिए दिमाग गप नहीं हो सकती ठीक है भाइयों के लिए अपना उन्हें ना बैर पैसा छा दो ना उन्हें ना आपको ये करना उसी छा से अपना आने से करो ना मैं तुम्हारा नंबर मुझे एक बार ना वो दूसरों को बता दे तू कॉल कर दे रहा है ये ठीक है रास्ते में किसी ना अपना मैं ना ले एक घंटे तक गल कर लो ठीक है गल कर लो फिर इंशाल्लाह सेकंड आते हैं ठीक है भाई जी ठीक है दो में बंद कर दो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और बोझ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों जैसे मैंने कल स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आज चैंपियन पंजाब उस्ताद मिठू लाली और हसन लाली के साथ आप गपशप लगाएंगे, कबूतरबाजी कबूतर परवरी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरे इंटरव्यू रिपीट कम होते हैं, कहाँ से लाहौर से चल के चनयोट आना ये शौक़ है और इन लाली बरादरान की मोहब्बत और प्यार है जो ये कबूतर परवरी कबूतरबाजी से करते हैं और हम लोगों को जब इनके पास आए वो इज़्ज़त से नवाजते हैं, तो इसी वजह से बार बार इनके पास आने को दिल करता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इन्हें मुबारकबाद दूंगा उस्ताद जी को, शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो 45-40 टेम्परेचर जो लोग मांगते थे इस दफ़ा लाली बरादरान ने उस बात को भी साबित कर दिया कि गर्मी जो है ना वो अच्छे कबूतर और अच्छे कबूतरबाज के सामने कुछ भी नहीं होती। और इसके अलावा आज बात करेंगे, ये मैं आपको समअप थोड़ा सा करके बता रहा हूँ जो मेरा आज कंटेंट होना है उस्ताद जी से, उस्ताद जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलेंगे, कबूतरबाजी पे बात करेंगे, कबूतर परवरी पे बात करेंगे और ये लाली बरादरान बनने का जो एक मतलब आप कह लें नेशनल प्लेयर बनने का जो सफ़र है किस तरह और कैसे जो है वो इन्होंने तय किया ये आज हम डिस्कस करेंगे उस्ताद जी से। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को सलाम, सबको अकेले के लिए सलाम नहीं दे सकता, सबको मेरी तरफ से सलाम और काइंडली स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। दोस्तों आज का मेरा ये इंटरव्यू भी इंशाल्लाह बफजले ताला मेरे मालिक ने चाहा तो बड़े अच्छे मेरे इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनमें से एक इंटरव्यू होगा, क्योंकि आज पहले जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें दोनों लाली बरादरान थे, आज बड़े लाली मिठू लाली साहब ने सिर्फ मेरे साथ, तो आज मैंने पहले होता ये था कि एक को बात की तो दूसरा निकाल के ले जाता था, आज मिठू भैया अकेले हैं, आज बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं तो यही दुआ कर रहा था दोनों भाइयों में से एक भाई मेरे हथे चढ़े, तो आज एक ही है, तो आज बहुत मज़ा आने लगा। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम बात शुरू करने से पहले आप मिल लें, आप मिल लें, मिल लें दोस्तों को, मिल लें, ये दोस्त मुबारकबाद देने आए हैं जी, ये सारे दोस्त। दोस्तों बात शुरू बाद में करते हैं, पहले ये दोस्त कहाँ से तशरीफ लाए हैं जी? ये जी सरगोधा से तशरीफ लाए हैं। क्या हाल है? ठीक हो? सबसे पहले तो उस्ताद मोहतरम इतनी शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने पे दिल की अता गहराइयों से बहुत 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 मुबारक जी। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सर। इस साल की जो परफॉर्मेंस, चैंपियन आप पीछे भी 3-4-5 साल से रहे उस पर बाद में बात करते, जो इस साल की परफॉर्मेंस है ना, इस इन परफॉर्मेंस ने आपको या लाली बरादरान को या कलिए खेल जो ग्रुप है उसमें आपको जो है ना वो नेशनल प्लेयर या नेशनल चैंपियन बना के उभार के सामने पेश किया है, तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताएं
कि किस तरह कितने साल से आप मुसलसल चैम्पियन हो रहे हैं और क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, इस पर हमें थोड़ा सा बताएं। नदीम भाई कि हम जब से अपना इलाका खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में हमारे रिजल्ट मुनफरद रहे हैं सबसे, हमेशा हर सीज़न में, ये नहीं कि जेठ हो यस हो, जब जो भी काम खेला है उसमें अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा सारी इज्जत दी है। तो 2019 में फ़र्स्ट टाइम हम पंजाब में एंट्री हमने की है, तो फर्स्ट टाइम हम चैम्पियन पंजाब बने हैं पहले साल के लिए, तो अल्लाह पाक ने पहले साल में चैम्पियन पंजाब बनाया है। फिर 2020 में खेला हूँ, फिर चैम्पियन पंजाब लगा हूँ पाक जौरो का, और पहली 6 प्रवाज़ों में 6 सेंचुरियाँ थी। इस दफ़ा मैंने 6 प्रवाज़ों में 683 घंटा बनाया है, उस वक्त मैंने 2020 में 6 प्रवाज़ों में 692 घंटे बनाए थे, उससे ज़्यादा घंटे बनाए थे। इस दफ़ा 6 प्रवाज़ में कम घंटे उसमें ज़्यादा बनाए थे। लेकिन टेम्परेचर का फ़र्क, टेम्परेचर का तो फ़र्क रहता ही है। देखिए इस दफ़ा कबूतरबाजी वाला मौसम था और कबूतरबाजों का मौसम था, ठीक है ना, टेम्परेचर बड़ा था। 2021 में आल पंजाब के साथ चैम्पियन हुआ हूँ, फिर अब 2022 में जेल चैम्पियन हुआ हूँ 5 रोज़ा 6 रोज़ा 7 रोज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी चैम्पियनशिप दी है जिस तरह वन साइड मुकाबले जा रहे थे। और बाजियाँ कितने घरों से थी इस साल? मेरी रिजल्ट 60 घरों से तय हुई थी, मगर उसमें ना उड़ाने से पहले कुछ घर, 4 घरों की कुछ मामला थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मामला थे तो आप बाजी कैंसिल अगर कर ले लीजिए, पैसे ले पैसे कह लीजिए, फिर मैंने बाजी कैंसिल कर दी। तो फिर 56 घर से मेरे मुकाबले उड़े हैं जी, तो 56 घर में से हमने 52 को जीता है, 52 घर को, 3 घरों के साथ बराबर रहे हैं, और लास्ट एक घर से लूज हुए हैं बन्नू में से। हिट पे जो है नहीं एवरेज, उनके साथ सिर्फ टोटल एवरेज थी, उनके साथ सिर्फ टोटल एवरेज की वजह से लूज हुए, बाकी तो फार्मर वाले थे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिट्टू भाई ये बताइएगा कि ये एक छोटे से शहर से, छोटे से कस्बे से उठ के इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, क्या चीज़ें थी जो आपको इस मकाम तक ले गई? शहर छोटा हो सकता है, इलाका छोटा हो सकता है, हमारा दिल छोटा नहीं था, ठीक है ना। इसी वजह से कि हमने जब भी मुकाबले खेले हैं, अब आप अक्सर मीडिया पे आके देखते रहते हैं, लोग कहते हैं इधर आ जाओ उधर आ जाओ इधर आ जाओ उधर आ जाओ, जहाँ मौसम ठंड है वहाँ गर्म है, आपने ये लड़ाइयाँ आपने सुनी है ना। अब हमारे, मैं अपने भाइयों को चाहने वालों को या जो भी हैं सारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैंने मुकाबले हरिपुर में खेले हैं, बन्नू में खेले, और उनका टेम्परेचर आपके पास नेट है, आजकल नेट पे देख के टेम्परेचर कितना होता है और हमारे इलाके का कितना होता है, ठीक है। बन्नू में खेले हैं, रवात में खेले हैं, इस्लामाबाद में खेले हैं, अटक में खेले हैं, चकवाल में खेले हैं, और ठंडे इलाकों में भी मुकाबले में खेल कर आए हैं, ठीक है। मीरपुर तक हम खेलते रहते हैं, के पी के में खेले हैं जाके, ठीक है, मैदान में खेले हैं, और हमारे इलाके का उन इलाकों का टेम्परेचर के साथ मुआवजा नहीं होता, जिस बंदे ने खेलना होता है ना वो इन चीज़ों पर नहीं देखा करता। अच्छा उस्ताद जी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बात टेम्परेचर की नहीं होती, बात कबूतरबाजी और आपकी ग्रिप की होती है, जो कि आप जो है ना वो तकरीबन किसी हद तक अगर देखा जाए तो पंजाब में भी खेले, केपीके में भी खेले, इससे आगे और क्या हो सकता है, केपीके और हमारे टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई अपनी कबूतरबाजी उठा के अपने शहर में ले आओ, तो उन्हें ये क्यों नहीं दावत देते कि भाई हमारे शहर में आ जाओ, हम छत भी देते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदे वो कहते हैं ना, उनके सारे को शागिर्द बहर है पूरे पंजाब में, हम कौन सा यार एक अपना इलाका छोड़ खेलते हैं, हम तो पूरा पंजाब, अब तो पंजाब भी नहीं रहा, ठीक है ना, अब तो पूरा पाकिस्तान खेलना पड़ता है, तो उधर सब के होते नहीं है, सबके साथ ग्रुपों की बाजियाँ लगती है हमारी, ठीक है। तो फिर होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर हो, जिसने रिजल्ट देना है दुनिया तो उसको मानेगी जी। बिल्कुल ऐसी है, उनके रिजल्ट और आपके रिजल्ट इस टेम्परेचर में फ़र्क साफ ज़ाहिर और वाजह है। अच्छा इसके अलावा ये बताएं कि इस साल की जो कबूतरबाजी है, इस साल की जो चैम्पियनशिप है, क्या फ़र्क है पिछले 3 साल की चैम्पियनशिप्स में? ये साल ज़्यादा मज़े वाला था और ये साल में बड़े अरसे बाद मिला है, ठीक है, इस तरह का हम ऐसे मौसम चाहते हैं, ऐसे मौसम टेम्परेचर वाले को, ठीक है, मौसमों की नज़ाकत जो होती है वो बादल फट जाए तूफान पड़ के, फिर कबूतरबाज का भी नहीं पता लगता, कबूतरों का भी नहीं लगता, ठीक है ना। मौसम गर्म हो तो तब ही प्लेयर का पता चलता है, ठीक है, तब ही मज़ा आता है खेलने का। अब आपको पता है कि जो प्लेयर अच्छे खेले हैं, अब ये देखिए लिस्टें देखिए ना, अब कोई अननोन बंदा आगे नहीं आया, कोई भी पंजाब में आगे नहीं आ सका, आगे मौसम ठंडा हो तो कोई और भी आ जाते, कोई और आ गया, कोई और आ गया, ठंडे मौसम की और कबूतरबाजी गर्म 44 से ऊपर लेकर आगे 50
49 तक ये और कबूतरबाजी है, जहाँ तो कबूतरबाज का पता चलता है, कबूतरों का म्यार का पता चलता है। तो इसलिए कि मौसम बड़ा गर्म रहा है, इसलिए हमें एडवांटेज मिले हैं बहुत सारे इसमें मौसम। जब मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने लास्ट आपका इंटरव्यू करने आया था और जेठ के बाद आया था, और सूरत हाल यहाँ पर यह थी कि मेरे ख्याल से एक बच्चा भी ऊपर नहीं था। ये कन्फर्म, और ये बात आप अपने दोस्तों से, ये मैं उस वक्त मौजूद था, इसी जगह पे बैठ के आप बात कर रहे थे, हो सकता है मैं इस साल जेठ चैंपियनशिप उड़ाऊँ ही ना। जी बिल्कुल ऐसी बात है, मैं बिल्कुल उड़ाने के लिए तैयार नहीं था। उस्ताद मीर मुख्तार मेरे पास आए, मेरे पास थे 30-35 कबूतर, वो उसमें पट्टियाँ पटे थे। तो मैंने कहा उस्ताद कबूतर मैं इस साल रेस्ट मार रहा हूँ, कोई शगिर्द की ठीक छत देकर उधर से कबूतर उसको उड़ाऊँगा। उस्ताद मीर मुख्तार ने कहा नहीं यार आप खुद उड़ाएँ, इधर से उड़ाओ। तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं उधर से उड़ाता हूँ। कहते नहीं आप उड़ाएँ, आपने उन्होंने बाजियाँ लगा दी मेरी, ठीक है। तो और बाजियाँ पंजाब के नामवर गज़ल से लगी, और मैंने बिलीव करना कि 11वें महीने में कुछ बच्चे छोड़े हैं, 11वें महीने में छोड़ कर उनको उड़ा कर साइड में करके अपने समय में ला के उनके 60 कबूतर मेरे पास जेठ के लिए 60। अच्छा सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्त और कसूर से मज़र न्याजी साहब आपको स्पेशल सलाम, बड़े प्यारे भाई हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, अज़र हो मज़र हो, बड़े प्यारे भाई। इसके अलावा एक मेरे बड़े प्यारे भाई हाफ़िज़ अवैस साहब है लाहौर में, आपके इतने बड़े दीवाने हैं, इतने बड़े दीवाने हैं, चंद लफ्ज़ उनके लिए। नहीं मेरे बड़े भाई हैं जो इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। अच्छा सर इसके अलावा मैं एक छोटा सा सवाल, बचकाना सवाल। जी जी करें। आपने कबूतरबाजी में कलिए खेल ग्रुप का इंतखाब क्यों किया? देखिए ये जब इंसान खेलता है ना तो हमारी सिर्फ सोच एक ही है कि हमने उनके साथ रह जाना है ना, वो अच्छे हैं बुरे हमने मरते दम तक उनके साथ रहना है। किली खेल ग्रुप में मेरे उस्ताद भी उत्तर से तल्लक था तो शगिर्दी नहीं थी, ठीक है। मैं आज भी उनका शगिर्द नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मगर सारा लेन देन ज़्यादा मेरी है उनके साथ, ठीक है भाई हसन। फिर अब उनके साथ अटैचमेंट तो है उनकी, मगर उस्ताद मीर खान साहब मेरे ही था सर। अच्छा उनकी शख्सियत की वजह से कलिए खेल ग्रुप अख्तियार किया, उनकी कबूतर बाजी की वजह से अख्तियार किया, या उनके कबूतरों की वजह से किया, ये बात क्लियर करके बताना। मेरा उनके साथ जब का तल्लक है ना, कबूतर तो फिर अब आते जाते रहते हैं, मगर मेरा कबूतरों वाला तल्लक ही नहीं था उनके साथ, ठीक है। वो इंसान इतने आला थे कि मैं अब उनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना कम लफ्ज़ पड़ जाएंगे, ठीक है। और मुझे वो अपने भाइयों की तरह दोस्ती रही, उनके साथ रहनुमाई उन्होंने मेरी की, ठीक है। मेरे ऊपर आने के पीछे उनका हाथ था, सारा कुछ क्रेडिट उनका था, मैं उनको दूंगा। यानी कि आपकी उस्तादी शगिर्दी ना होने के बावजूद भी उनका हाथ आपके पीछे था? हाँ ये पुरानी बात है, फिर आके मैं खेलता आया। देखिए कोई भी उस्ताद है ना, आज मैं आपको वाजब तौर पर बता दूँ, मेरे शगिर्दों किसी और उस्ताद के शगिर्दों, उस्ताद मीर मुख्तार के शगिर्दों, राजा साहब के शगिर्द, किसी पार्टी के भी शगिर्दों, जब तक उनमें कुछ नहीं है ना उस्ताद कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब उनमें टैलेंट नहीं है ना तो उस्ताद कुछ भी नहीं कर सकता। टैलेंट खुद होता है, इंसान भी पैदा होना चाहिए खुद, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो चनेड़ के कबूतर है, ख़ासतौर पे आपका शोर कमांडर हो गया और आपके लाखे कबूतर है, उनमें और कलिए खेल जो ग्रुप के कबूतर हैं उनमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया? यार देखिए ये अलग नस्ल है, वो अलग नस्ल है, जो हमारे कबूतर हैं हमारे कबूतर, मगर ये एक थ्योरी वैसी ही से बने हुए हैं जैसे वो कबूतर बने हुए ना उड़ा उड़ा कर, ये भी हमने उड़ा उड़ा कर उनके माँ बाप उड़ा उड़ा कर हमने जोड़े लगाए हुए हैं, ठीक है ना, तब ही ये आगे से बने हुए हैं। तब भी आगे ये पाँचवीं छठी नस्ल में भी जाके उतनी परवाह करते जो शुरू में करते थे। अच्छा मेरा भी चंद एक जगहों पे इत्तेफाक हुआ है, अकमल खान साहब और मीर मुख्तार साहब के जो बने हुए कबूतर हैं इनके अक्सरियत कबूतर, अगर मैं गलत हुआ तो उसे मेरी तरमीम कर दीजिए, अक्सरियत कबूतर गोल अड्डी के हैं, आपके कबूतरों की भी किसी हद तक बनावट और बनतर पर पुर्जा उन जैसा ही है, कलर मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, क्या वजह है कि सारे आप और उनके कबूतर इस पैटर्न के हैं? नहीं ये अच्छे कबूतर होते हो, आपस में मिलते जुलते होते हैं हमेशा। अच्छे कबूतर कैसे होता है ये भी साथ बता दे चले। नहीं अच्छे देखिए हमारी जो थ्योरी होती है ना जी, हमने कभी भी अस्सू वाले कबूतर जोड़ों में नहीं डाले,
इसमें कोई झूठ नहीं है, लोग पता नहीं कुछ समझते भी होंगे, कहते ये कैसे पता चल जाता। हमने उड़ाने होते कबूतर, उड़ा उड़ा कर जो हमारी समझ में टेम्परेचर में आए। अब एक मादा मेरी चैम्पियन हुई है, ये पिपला वाले कबूतर और बैगमान वाले कबूतरों में क्लास हुई हुई है, ठीक है। उस्ताद वीर तारखान वाली मादी है फिरोजपुरी, और भाई नुमान का सवा लख है कबूतर, ये आपस में लग कर एक कबूतरी निकली हुई है, ठीक है। ये कबूतरी मेरे पास चैम्पियन हुई है और 138 घंटे से मिला, अब हमने उसको जोड़े में डाल दिया, ठीक है। मतलब ऐसे कबूतर 2019 में मेरी चैम्पियन निराली कबूतरी हुई थी, अब उस नसल से 4 कबूतर मैंने बाजी में डाले हुए, ठीक है। ठीक है, तो यही कबूतर होते हैं जो देखो आपने 1000 कबूतर, इधर आपने 1000 से काम ले रहे हैं ना, आपके पास 5 कबूतर ऐसे पड़े हैं ना जिन्होंने टेम्परेचर में 45-46 में शाम शाम की परवाजें दी हुई हैं मुसलसल, ठीक है, वो कबूतर 1000 से ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा उस्ताद जी, मेरा ना एक ज़ाती तजज़िया भी है, क्योंकि शायद इतने कबूतर आप ना देख सके हो जितने मीडिया पर्सन होने के नाते मैंने देखा। मैंने जहाँ भी चैंपियन कबूतर देखा ना उस्ताद जी, वो गोल हड्डी का और उसका पैटर्न आप जैसे कबूतरों का और कलिए खेल वाले जो कबूतर होते हैं उनका पैटर्न एक होता है, नस्ल और हो सकती है, रंग और हो सकता है, आँख और हो सकती है। जो भी कबूतर चैंपियन ज़्यादा होते हैं ना आपस में मिलते जुलते होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मेरा सवाल हड्डी वाला वहीं पे आ, जरा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। ठीक कह रहे हैं आप, क्या आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हमारे कबूतरों का नहीं है ऐसा। चले ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और, इस दफ़ा जो टेम्परेचर पड़ा बड़े बड़े, मैं किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं कहने वाला, ठीक है, क्योंकि सारे काबिले सद एहतराम हैं, सारे असाजा ग्राम, इस दफ़ा कबूतरों ने फ़र्क डाला, तो क्या समझते हैं कि इस ये जो फ़र्क है ये कबूतरों की वजह से है कि साथ उस्ताद की वजह से? देखिए कोई भी फन है ना, तो वो अकेला कबूतर भी कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊँ। लोगों के पास भी बड़े अच्छे कबूतर पड़े हैं, मगर उड़ाने मैदान में घोड़ों को नसाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर उनको जीतना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। दुनिया के पास कबूतर ये नहीं कि हमारे पास कबूतर है, दुनिया के पास कबूतर नहीं, फ़न का भी ज़रूर फ़र्क होता है। जो फ़न होता है गर्मी वाला फ़न, इसका बहुत ज़्यादा और काम होते हैं। ये बड़े अच्छे लोगों के पास सैकड़ों के हिसाब से कबूतर होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 60 कबूतर, मेरे पास टोटल 100 कबूतर था, 40 कबूतर मैंने बिसाख में निकाला, इसमें मेरे पास 3 कबूतर है और 10-15 कबूतर मैंने सेट कर दिए हैं, और 60 कबूतर के साथ फिर मैं जेब से लाऊँ, ठीक है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन स्टैंप लगी है ना, तो मेरे पास 25 कबूतर थे, ठीक है। 25 को मैंने 11 में स्टैंप, 14 कबूतर बैग पे छोड़े, और 14 ही पीछे 11 परवाजे उड़े हैं बाद में, वो भी एक कबूतर भी मिस हुआ, ठीक है, उड़ते रहे हैं, और इनसे अच्छे उड़ते रहे हैं बैग वाले कबूतर। अच्छा मैं आप कबूतरबाजी के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपका इंटेंस पर्सनल मैटर होता है, इस पर जाना भी नहीं चाहिए। एक चीज़, कोई एक ऐसी टिप हमारे साथ शेयर कर दें, टिप की बात करो, दवादारों की बात नहीं मैं कर रहा, कि इतने टेम्परेचर के अंदर कबूतर को मेंटेन रखना, आसमान में मेंटेन रखना किस तरह किया जाता है, और आप बखूबी करते हैं इस बारे में थोड़ा सा? ऐसी बातें जो है ना मुनासिब, ये मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, माजरत के साथ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मेंटेन करना होता है कि कबूतर जब वापस आता है, हर बंदे ने अपने अपने फन से करना होता है, जिन चीज़ों से हम करते हैं हमें उस पर अबूर है, ठीक है। ये बातें मतलब पार्टी के सिवा माजरत के साथ। हाँ बस ठीक है, नहीं आप बड़ी अच्छी बात पूरी लगी, उसमें माजरत चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर बंदा हर होते, क्योंकि इन चीज़ों का ही फ़र्क होता है, ठीक है ना, इन चीज़ों के फ़र्क से कबूतरबाजी होती है। तो हमारे पास जो चीज़ें हम उनके साथ सर मेंटेन करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार करते हैं कबूतर, और हमारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से बैठने के बाद जो शाम को बैठा है वो 5-6 घंटे पर कबूतर तैयार होता है। 5-6। अच्छा सर, मैं आपके उड़ने वाले आपके चैम्पियन कबूतर नहीं दिखाऊंगा, वो सब ने दिखा दिए, आपने भी दिखा दिया। मुझे चंद एक अमीर मुख्तार साहब वाले कबूतर और आपके जो अपने कबूतर हैं उनमें से चंद एक ब्रीडर कबूतरों का शौक करवा दीजिएगा, तब तक हम गपशप लगाते हैं। कबूतर ला के छोड़े लोग कौन ला के भाई? कबूतर सबके पास अच्छे होते हैं, कबूतरों को मेंटेन रखना ये बातें मुश्किल होती हैं। मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करूँगा, लाइव में बात करूँ, मेरे पास अगर सरमाया ना, मैं 10 लाख का कबूतर अच्छा खरीद लाऊंगा, उससे अच्छा कबूतर नहीं होगा,
लेकिन जब मैं उसे घर ला के छोड़ूंगा ना, मुझसे मेंटेन नहीं हो पाएगा उस लेवल का। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने आपको बोला क्या बोला जिससे आप इतफाक नहीं कर रहे? मैंने आपको क्या बोला? आप किस बात से इतफाक नहीं कर रहे मेरे साथ? वही बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं इतफाक, आपने कहा कि सभी के पास अच्छे कबूतर है सर। देखिए कबूतर जो बाजीगर आदमी होता है ना, उसने अच्छे से अच्छा कबूतर बनाया। क्या आप दुनिया में थोड़ी हमारे पास है, मतलब दुनिया के पास कबूतर बड़े अच्छे हैं, मगर मैदान में उड़ाने, उनको मेंटेन रख के, एक बंदे के पास जितना अच्छा कबूतर है ना, जितना अच्छा कबूतर है, वो कबूतर कब तक परवाज देगा? अगर उसको उसको मेंटेन ही ना रखा जाए तो क्या करेगा कबूतर? एक दिन शाम बैठेगा, दो दिन शाम बैठेगा, वो बेचारा मजबूर हो जाएगा। जब उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होगी, उसकी बहाली नहीं पूरी होगी, वो अगली परवाज के लिए कैसे तैयार होगा? कबूतर तो अच्छा है, ठीक है, कैसे आगे जाएगा? बनेगा नहीं वैसा तो जाएगा कैसे? नहीं यार, पहली सीढ़ी ये है। ये ऐसी बात नहीं होती। ये छोटा भाई हमारा बच्चा सर सर्वोदय के चैंपियन खिलाड़ी है माशाल्लाह। ये जी फैसल साहब, तो 3-4 साल से माशाल्लाह चैंपियन जा रहे हैं फैसल साहब सर्वोदय के, माशाल्लाह। इनके पास कौन से वो इधर बड़े कबूतर पड़े हुए हैं? इनके पास जो ऊपर से आसमानों से कबूतर है, जो भी सारे इलाके वाले उनके बंदे जानते हैं, जो भी उनके कबूतर हैं माशाल्लाह चैंपियन कबूतर है, चैंपियन परफॉर्मेंस है। आप भी पंजाब में माशाल्लाह खेलने पंजाब में कितने छतों से। मैं बात कबूतरों की नहीं कर रहा, मैं बात मेंटेनेंस की कर रहा हूँ। एक कबूतर मेंटेन जब खुड्डे के अंदर ही नहीं कर पाएंगे तो आसमान में हमें क्या परफॉर्मेंस देगा? आपको बहुत पहले बता रहा था नदीम साहब कि जो कबूतर उड़ के आते हैं उनकी जो तैयार भी होती है, उनको मेंटेन करना होता है, प्रवास करेंगे वो तैयार होंगे, जो आपका अच्छा कबूतर है या बुरा कबूतर है। बुरा तो कोई लोग डालते नहीं, बुरे तो हमारे पास भी वो नहीं उड़ेंगे, ठीक है, किसी के पास भी होंगे, वो साफ नहीं ना करेंगे। ये पहला चंगा कबूतर मुड़ अच्छा उस्ताद की ख्याल है। अच्छे उस्ताद दौड़ा बड़ा बोल। हाँ जी, मैं सर आना थोड़े वाले। हाँ जी, ये कबूतर देखे जी, ठीक है सर, आँख पहले। इसका बाप और इसकी माँ दोनों चैंपियन रह चुके हैं। इसका ये क्या नाम है इसका? इसका लाल बादशाह ही कहें, हमारे नस्ल का नाम है लाल बादशाह, ठीक है। तो इसका बाप और इसकी माँ दोनों चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। अब हम ना इसके कलर पे जाएंगे ना किसी बात पे। इसकी माँ निराली है, 7 दिनों में उसने 90 घंटे बनाए थे, 7 घंटे बनाए थे। इसके बाप ने 7 दिनों में 84 घंटे बनाए थे, माशा, ठीक है, जेठ 2019 में। आप इसके बच्चे उड़ते रहे हैं दो बाजी में, इसके दो बच्चे उड़ते रहे हैं, 7-34, 7-6 इस तरह कर बैठते रहे हैं बाजी में, माशाल्लाह बहुत अच्छे सर। इसके परों का शौक करवा दें मैं थोड़ा सा, बीज लगे हुए हैं कबूतर। हाँ वो तो है, मैं लोगों को आपका पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। एक कबूतर आएगा तो अगला पैटर्न भी वही आएगा, ठीक है, अगला दिखाएं। अब ये कबूतर इसका चच्चा है, इस कबूतर का चाचा, इस कबूतर का चाचा, चाचा, ठीक है। ये कबूतर इसका बाप मेरे पास खुद चैंपियन हुआ है, माशाल्लाह। इसका दादा चैंपियन हुआ है, माशाल्लाह। ये खुद चैंपियन, इसके 3 भाई मेरे पास चैंपियन, चैंपियन फैमिली। हाँ जी, उस्ताद अकरम अकीन को अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मेरा शौक होता रहा जी, बाजी में उड़ते रहे उनके साथ, ठीक है, रब्बा में। तो ये चैंपियन हुए हैं सर। इसका बच्चा मेरे पास चौथी बाजी रात, तीसरी बाजी रात रहा, सामने आया हुआ और तूफान पर भी, माशाल्लाह। अब ये हमने अपने इसमें काफ़ी कबूतर हमने डाले हुए हैं, ठीक है। मैं जो आप बात ठीक कर रहे थे कबूतरबाजी की मेंटेनेंस की, लेकिन कबूतर बनाना भी मेंटेनेंस में आता है। तो अब आपका पैटर्न नज़र आ रहा है कि क्या आपने बनाया हुआ है, क्या सिलसिला आपकी ढाई बड़ी सेट है। अब इसका पिछले साल भी इस कबूतर के 2 बच्चे बाजू में उड़े हैं, ठीक है। ये कौन सा? ये हमारा हिंदुस्तान में नंबर कबूतर कहते हैं जी। इसका पट्ठा इस दफ़ा भी उड़ता रहे बाजी में, 11 पूरे ही उड़ा है, माशाल्लाह, ठीक है। पिछले साल भी माशाल्लाह इसके 2 पट्ठे उड़े हैं बाजियों में, एक बैग पे था माशाल्लाह इनका, माशाल्लाह, क्या बात। क्रीज लगे हुए हैं सारे कबूतर दोस्तों, माशाल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बात की कि परफॉर्मेंस ही कबूतर को जोड़ों में लेके आती है। अगर एक लाइन की बात करूं मैं, एक नस्ल की बात करूं, कबूतर बनाने कबूतरबाजी से हट के बात करूं, आपकी पसंदीदा अगर एक लाइन एक नस्ल की बात करूं, कौन सी नस्ल है? पिपला वाले कबूतर पसंद। पिपला वाले कबूतर पसंद।
वो वफादार है, वो कबूतर बहुत देर तक आपके पास चलेंगे। देखो एक बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँ, आपको भी बताना चाहूँ डीम साहब, अब मेरे पास लोग आते हैं कबूतरों को, हर बंदे को एक लेवल बन नहीं सकता, कोई भी बंदा किसी को एक लेवल नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो कोई बंदा ना कबूतरबाजी सेव नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ है एक कबूतर हर बंदा एक जैसा नहीं दे सकता, अगर अच्छे कबूतर होंगे ना फिफला होंगे तो उनका जोड़ नहीं। मैं आपको कुछ फीमेल दिखाता हूँ तो जिनके बच्चों ने मेरे पास लाजवाब परफॉर्मेंस की है, हमारे पास वो कबूतर है ज़्यादा फिफला वाले कबूतर, या मेरे पास एक कबूतर है या एक दो 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 पीस में बैठवान से लाया हूँ जो उनके 1.25 लाख वाली ब्रीड में से है। ये बेसिकली 1.25 लाख वाले डबलों में से है, ये मियां मीर वाले। अब हमारा तो पहले कभी फाक नहीं हुआ इतना, तो अब आपने हमारी बाजू में देख के हम किसी कबूतर को बुरा कहते ही नहीं है, हर नस्ल में हर कबूतर अपनी जगह बहुत अच्छा होता है। अब हमारे पास तो अपने कबूतर देसी उड़ते हैं, ठीक है, आपने ज़्यादा देखें एक क्रॉस कबूतरी उड़ी है, ठीक है, वो मियां नज़ीर वाले कबूतरों में से और मीर वाले कबूतरों में बहुत बड़ी उड़ी है। ये जो क्लियर खेल ग्रुप है ना, जिस कबूतर को देसी कहता है ना, वो पता नहीं क्या एटम मतलब होती है यार, देसी तो यही होता है। आप एक सिंपल सी बात है ना, आपने देखे मैं ठीक है, अब ये कबूतर है, ये जेन्युइन कबूतर है, आपको दिखा रहा हूँ, ये जेन्युइन कबूतर पिपला वाले, ठीक है, ये 110% जेन्युइन कबूतर है, वैसे भी हर लिहाज से जेन्युइन है, इन्हें फिरोजपुरी हम कह सकते हैं, फिरोजपुरी कह नहीं सकते, ये हैं फिरोजपुरी। सुनने ये चाह रहा था, आंख दिखाएं जरा इसे। और ये नदीम भाई आप और मुझसे तो ज़्यादा सियाना होगी शायद, आप जितने हो जाए मुझसे ज़्यादा सियाने हैं वैसे। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं मैं बहुत समझदार हैं, ये कबूतर ना घरों के इनको बड़ा पता है, आना कैसे वापसियाँ कैसे करते हैं, पूरे बंदे जितना जाएंगे कबूतर हैं। मेरी ना अक्सर दोस्तों से बात होती है कि फिरोजपुरी वो बेसिकली स्लेटी आँख को वो नीली आँख को बनाए फिरते हैं लोग ज़्यादातर, बंदे की अपनी हाँ जी है जी, वो जिधर चले हुए नहीं सर नहीं, ये 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 आप ना थोड़ा सा आप मेरी बात, एक बंदा हम कहते हैं ये फिरोजपुरी नहीं, वो हमारे साथ आकड़ जाता है, कहते हैं नहीं यही है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम कार्य नहीं सकते, ठीक है। अब ये मुझे ये बताएं, ये आपकी तो डिस्कशन हुई होगी अकमल खान साहब के साथ, मीर मुख्तार खान साहब के साथ, कितने अरसे से चल, कम अज कम 20-25 साल से ज़्यादा अरसा होगा, ये पुराने इससे भी ज़्यादा पुराने, कम अज कम 40 साल, तो फिर तब तो आज तो पैटर्न चल रहा है, क्रॉस चल रहा है, 7-7, 8-8 क्रॉस करते हैं, तब तो ये सिलसिला भी नहीं था यार। इन कबूतरों में जो जो खूबियाँ मैंने देखी है ना उड़ाकर, ठीक है ना, मैंने बहुत कम कबूतरों में देखी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार दो प्रमोद पट्टियाँ से पास थे, अच्छा ये कबूतर ये देखें, ये 1.25 लाख वाले कबूतर नुमान व्हाट्सएप वाले, हाँ जी, और ये फिरोजपुरी, अब इस आपने ये फिरोजपुर देखे हैं, हाँ जी बिल्कुल देखे, सारा सिस्टम देख रहे हैं, हाँ जी वो तो नज़र आ रहा है। तो ये अब 1.25 लाख वाली ब्रीड में त्रास हुई है, लेकिन उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, ज़्यादा कबूतर पिपला वाले इसको अपने ऊपर ले गए, हाँ जी वो ये देख रहा हूँ सारा आगे नूर वगैरह भी, सर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो चल पड़ो माशाल्लाह 138 घंटे से बनाए 32 मिनट 11 प्रवादों में माशाल्लाह। अब ये कबूतरी हम जोड़े लगा रहे हैं, वैसे मेरा अपना जाती तजिया भी यही है लोगों के पास, अक्सरीती डोमिनेटिंग जो पाकिस्तान के हाई फ्लायर कबूतर दुनिया में पाकिस्तान की पसंद किए जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट तो हम उन्हें कह नहीं सकते, तो पाकिस्तान के जितने भी हाई फ्लायर फेवरेट कबूतर हैं ना, चाहे वो किसी के भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बैग पे सर फिरोजपुरी है, वो
अक्सरी थी। अगर अच्छे कबूतर हो तो इनका जोड़ी। हाँ जी, इनका जोड़ी। अगर अच्छे हो ना तो अब तो काफ़ी सारे लोगों को बस हमने भी देखी हैं, लोगों ने कबूतर फिरोजपुरी बनाए हुए हैं वो और किस्म के कबूतर हैं, और हमारे कबूतरों को लोग ज़्यादा सियालकोटी का नाम भी देते हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं चले ये सियाने उस्तादों की निशानियाँ आती हैं। ये देखें, ये भी वही कबूतर है हमारे जो आपको दिखा रहा था। माशाल्लाह, थोड़ा सा चाल चलन चेंज किया। नहीं, ये इनमें से निकलते हैं, इनमें से प्रमोज निकलते हैं, इनमें से निकलते हैं, बाकी इनके वो सारा सिस्टम एक ही है। बेटा, दो कबूतर आपने लग दिखाने हैं, 8 नंबर, 97 नंबर और 20 नंबर। नदीम साहब, इन कबूतरों में जब सबसे ज़्यादा खसूसियात है ना, ये कबूतर जिस तरह आगे आगे जाते हैं ना, अगर आप उस आप टिप्स मानते तो आपको टिप्स देता हूँ। इन कबूतरों में जो खसूसियात है ना, कबूतर कितने लंबे उड़ते हैं ना, वो बैक आते हैं अपनी कैपेसिटी के साथ, कबूतर आसा सा बैक आते रहते हैं, सभी के आते हैं, एक बंदे के आते। ये कबूतर जिस तरह आगे जाते रहते हैं, ये अपने वाहीं पर खड़े जाते हैं। अगर बड़े नहीं तो इन्होंने अपने 10-11 घंटे नहीं छोड़ने, ठीक है, उधर ही बैठने। अब आप देखें, अकमल खान साहब पीछे से आए हैं, आगे 11-11 मिस्टेंसियाँ लगे हैं, ठीक है, यही वजह थी कि ये कबूतर ही ऐसे देखे, उनका फन और उनके कबूतर, उन्होंने आकर अपने आप को कवर किया। कवरिंग इंसान कबूतरों से ही कर सकता है, आपने फन जो है उसका मेंटेन रखना है ना अपने फन से, ठीक है, कैसे हो जाओ तो ये मामला सारे बीच में होते हैं, कबूतरबाजी होते हैं ना, तो हर बंदा अपने अपनी गेम नहीं करता, गेम का भी बहुत फर्क होता है, अच्छे अच्छी गेम अच्छे कबूतर। मैंने तो सर इस दफ़ा बड़ी छतों पे घूमू, किसी का नाम नहीं ले रहा, आइडल पिल्स पे कबूतर उड़ा रहे हैं लोग, बीमारी वाली गोली पे कबूतर उड़ा रहे हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। देखिए पैटर्न चेक करें, गोली बीमारी वाली है, ना बखाओ नजर लग जाए, सन मोर ना बखाओ। मैं इसे तो नहीं महाना ना पा, तुम भी नहीं आंदा पे पर खोलो। अब ये पिपला वाला कबूतर है, क्या इसका बाप आपको मैंने पहले दिखाया है, ठीक है, माशाल्लाह। अब आपने हुसन को क्या करना, उन्होंने तो काम देख लिया, हम बाजीदार बंदे, हुसन हमने कौन करना था। ये देखे, ये कबूतर यही कबूतर जो आप देख आपको पहले दिखाया ना, वो तो थोड़ी थोड़ी वही उनमें से कबूतर तैयार हुए, ये सारे इसी साल के पट्टे हैं। ये देखिए 4 साल हो गए ये कबूतर बता रहे, 4 साल शोर कमांडर भी कहूँ, 4 साल सुना है शोर कमांडर को छुट्टी दे दी है, सब कुछ छुट्टी है अब दोनों, अगले साल तो शायद मैं इधर से ना शॉप करूँ में जाऊँ। ये कबूतर देखते हैं, ये पिपला वाला कबूतर है, मरते मरते इन्होंने वापसियाँ की हैं घर में, ठीक है, हर हाल में 4 साल से, तो परवाज उन्होंने अपने शाम तक रखी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, बड़ा कर लो, तुझे पूरा जवाब नहीं देना फिर। मैं बड़ा कर लिया, एक बात बता, एक जोड़ा क्रॉस लगाते हैं, एक नर एक ब्रीड की है, नर एक ब्रीड का, मादा एक ब्रीड, हमने क्रॉस कर दिया, ये पहला क्रॉस अच्छा रहेगा कि या उनके बच्चों को वापस माँ बाप के ब्लड लाइन में लेके आए? नहीं, ये बात नहीं, ये बात ये कि जो आप दो नस्लें क्रॉस करा रहे हैं ना, दो नस्लें, दोनों आपके नस्लें अजमूदा नस्लें हैं ना दोनों तरफ से, बात समझ ना भैया, अगर ये कबूतर है फर्द करें आप इसके साथ गोल्डन कबूतर लगा रहे हैं, फर्द करें ये पेपर वाला उसका भी खानदान परखा हुआ है, ये भी परखा हुआ है, तो फिर इनमें से जो आगे बच्चे निकलेंगे वो भी जिधर आप करेंगे वो भी काम करेंगे और इनके भी करेंगे। मेरा सवाल ये था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फर्स्ट क्रॉस है, जब एक क्रॉस में बच्चे आ गए, माँ बाप 50-50 आ गया, तो
क्या माँ बाप की ब्रीड में एक बच्चे को माँ की ब्रीड में ले जाए एक बच्चे को बाप की ब्रीड में ले जाए तो क्या वो अच्छी नस्ल नहीं बनेगी पहले की नस्ल? यार बात ये कि जो आपने ब्रीड वापस ले जानी है ना, अगर आपने माँ की ब्रीड वापस करनी है ना, आप चाहते हैं कि हमने जो जोड़ा लगाया क्रॉस में, ठीक है, अब हमने इसमें माँ का ज़्यादा इंतखाब करना है बाद में आगे बच्चों में से, तो फिर आपको पट्टा जोड़े में लगाना पड़ेगा, फिर वो माँ के वाली ब्रीड में जाएगा, ठीक है। बाप वाली करनी होगी तो फिर आपने पट्टी लगानी पड़ेगी। क्या जब अगर पट्टा है वो तो अब बात ठीक है, माँ के लिए लेना है तो पट्टा है, बाप के लिए लेना ही है तो पट्टी है, ये तो एक सिंपल सा पैटर्न है। तो क्या जब हम एक पट्टा या एक पट्टी लेंगे तो क्या उसमें माँ और बाप दोनों एक जितना नहीं साथ साथ चलेंगे? नहीं, अच्छे होंगे तो साथ साथ चलेंगे, क्यों चलेंगे? अच्छा होना दोनों तरफ से ज़रूरी है। बात ये नहीं कि आप देखें कि इंसान कुछ अपने दूसरों का काम कर लेता है, छाई काम कर लेता है, एक तो चीज़ बड़ी परखी होती है, एक को वैसे लगा देता साथ, वो उसकी खराबी पैदा कर देता है, ठीक है ना। परखे हुए कबूतर जब हम दोनों लगाएंगे वो आगे, अब मैं आपको ला के दिखाया ना कबूतर मैंने, ये अब छठी पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे जा रहे हैं ना। हाँ जी, आगे जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, वो खून तो पीछे इनके, और हमने जब इनके साथ मैच किया है ना, इनकी बराबरी की है, बात समझ रहे हैं? अब आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ जोड़े लगा रहा हूँ, ये फिरोजपुरी कबूतर जो उड़ी है ये वो नराली की पट्टी के साथ लगा रहा हूँ, जिसके अब तीन बच्चे उड़े हुए थे बाजी में, दो तीन बच्चे उड़े हुए थे बाजी में, ठीक है। तो क्यों लगा रहा हूँ, उससे भी अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उड़े उड़ाए लगा कर, जो मादी से पहले बच्चे उड़े वो मादी इस मादी जितनी अच्छी नहीं है, बात समझ आ रही है? हर बंदा अच्छाई की तरफ जाता है और अच्छे कबूतर बनाते हैं। ये क्या है मिठू भाई, ये बेसिकली कौन सा कबूतर? ये रामपुरी कबूतर। रामपुरी कबूतर, ये हमारे पास, ये भी बड़े पुराने कबूतर है। इनका माँ बाप ये यही निकला हुआ? हाँ जी, माशाल्लाह। ये 4 साल उड़ाया बाद में और 4 साल 7 के बाद बैठा। क्या 30 साल भी 7 के बाद बैठता रहेगा? अब इसको भी छुट्टी है, वो कबूतर कम होने की सूरत में इनको ऊपर पट्टी लगा देते हैं, लेकिन अल्लाह करे अगले साल छुट्टी रहे। अगले साल छुट्टी हो जाएगी कबूतर और बन जाएगा। ये दोनों एक ही ब्रीड से नहीं, ये और है, ये आखिरी का, ये करनी है, ये 7 साल उड़ा, ये 7 साल उड़ा, जी 7 साल उड़ा, माशाल्लाह, मशहूर है डब्बा कबूतर। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा आप एक रंग बनाते हैं आप और हसन भाई, तो उस बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दें। यार वो भाई हसन को याद है रंग, दो 4-5 चीज़ वगैरह, वैसे अब टिकटॉक पे भी है, वैसे भी वो काफ़ी फैल चुका है, उसका काफ़ी फ़ायदा है। हमारे इलाके में ना एक साल बैरियाँ बहुत आ गई, वो कबूतर में पिछले साल उड़ान नहीं दे रही थी, तो जब से वो हमने रंग शुरू किया है ना, उसके बाद फिर बैरियों ने और लगड़ों ने हमारे सामने कोई कबूतर भी नहीं पकड़ा, ठीक है, कोई एक आधा ऊपर से ना आया तो ये कह नहीं सकते लगड़ने पकड़ा, पर हमारे सामने एक कबूतर भी नहीं पकड़ा, बहुत बचत है, जिधर जिधर हमने बताया है उनको बहुत फ़ायदा हुआ। चल माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। मैं ज़रा फैसल भाई नाल हेलो हेलो कर लाँ। जी सर, की हाल चाल है? ज़रा अपना तारफ करवाओ दोस्तान। दोस्तान फैसल सरगोधा के रहने वाले हैं, गांव के। पंजाबी चिटो थका के करो गल, असी पछाड़ दे लोगे जी चंगे। जिला सरगोधा जी सरदा उस्ताद ने शिविरा जाने साहब ने। जी चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक जी। ते उस्ताद ने मुबारक देना इस वाच नहीं के मुबारक तो दे गया, वैसे दोस्तों नाल मिलने फैसलाबाद से सारे शहर पूरा पंजाब ही इकट्ठा हो गया।
अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राजरों को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फिर माना लाला हाफिज़।